सरकार के बताए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं दिल्ली वाले लोग। कोरोना को मात देने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो लोग पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क दिख रहा है। जी हाँ, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सरोजिनी नगर मार्केट की, जहां पर लोग खरीदारी करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। साथ ही साथ दुकानदार भी हैं, बहुत पूरी तरीके से सतर्क हैं, कोई भी लापरवाही नहीं बरत रहा है। चाहे दुकानदार हों या ग्राहक, हर कोई अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस के जो नियम हैं उनका पालन भी कर रहे हैं। हालांकि जो लोग बिना मास्क के बाजार में दिख रहे हैं उनके ऊपर 2000 रुपये का जुर्माना भी किया जा रहा है। एनडीएमसी हो या दिल्ली पुलिस या सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जगह जगह पर तैनात हैं, और ये लोग जो लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं उनका 2000 रुपये का जुर्माना भी कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सरोजिनी नगर मार्केट की, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज किस तरीके से जो लोग खरीदारी करने यहां बाजार में पहुंचे हैं उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। साथ ही साथ दुकानदार भी है, वो भी चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं और पूरी तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं, 800 से पार जो है आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं इस आंकड़े को देखते हुए सरकार ने सख्ती बरती है और जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनका 2000 रुपये का जुर्माना किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको सरोजिनी नगर मार्केट की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए एक शख्स ऐसा भी मिले जिनके मास्क चेहरे पर कम था और इसकी वजह से उनका जो है जुर्माना हुआ। पूरी तरीके से उनका जो चेहरा है मास्क से नहीं ढका हुआ था, जिस तरीके से जो मास्क पहनना चाहिए था उन्होंने नहीं पहना, तो पुलिस अधिकारी ने उनको रोका और उनका 2000 रुपये का जुर्माना कर दिया। मेरा शमशाद खान है। अभी आपका ये जो जुर्माना हुआ कितने दिन कितने किया जुर्माना? इसलिए किया कि मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट आया था, तो मेरा थोड़ा सा मतलब हल्का सा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा मैं नीचे मास्क करके चल रहा था, तो उन्होंने मेरे इसके खिलाफ मतलब कार्रवाई की। अच्छा, मानते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही आपकी तरफ से भी थी जो भीड़ भाड़ में? हाँ जी, हाँ जी, मैं लापरवाही मानता हूँ मैं, इसलिए अब गवर्नमेंट की तरफ से ये है तो फिर ज़्यादा वो जोर नहीं दे सकते, इसलिए हमने चलान के लिए ठीक है बोल। किसने जुर्माना किया आपका, ये 2000 रुपये का जुर्माना किसने किया? ये दिल्ली पुलिस ने किया है, दिल्ली पुलिस ने करा है। कुमार मिश्रा जी, किस तरीके से मार्केट में जो है आप लोगों का समझा रहे हैं कोरोना की स्थिति कैसे चला रहा है? देखिए, गाइडलाइंस यहाँ बहुत अच्छी चल रही है जी। इंडियन सी दिल्ली पुलिस हर कोनों पे चलान काट रही है। इंडियन डीएम के भी आदमी हैं। देखिए, पब्लिक को हम लोग जागरूक करते हैं, पब्लिक को बताते हैं मास्क लगाइए, सैनिटाइजर करिए जी, सुरक्षा के पब्लिक को ही सब कोई गाइडलाइंस। यहाँ 60 वॉलंटियर बनाए गए हैं, वो भी मार्केट में वॉच कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर करिए, और दिल्ली पुलिस भी पूरे सर्विलेंस जितने सुरक्षा कर्मी सब साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट सर्विलेंस नगर हमारी एकदम सुरक्षा, और यहाँ मास्क लगा के ही लोग चल रहे हैं जी। होली के समय देखिए, होली के लिए गाइडलाइन जो सरकार देगी उसी गाइडलाइन का हम पालन करेंगे।